तो जो टेस्ट के अंदर मैंने आपको दो सवाल दिए थे, उसके पहले सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये था, क्योंकि दो लेंथ दी हुई हैं, एक है 50 मीटर और एक है 40 मीटर। आपकी जो लेंथ है 50 मीटर वो होगी आपका एल नॉट, और जो मूविंग लेंथ होगी वो कम होगी, वो आपकी होगी 40 मीटर। तो डेटा के अंदर आपने लिखना था, आपको गिवन है एल कितना 40 मीटर और एल नॉट कितना है 50 मीटर। आपको मालूम करनी स्पीड, फार्मूला लगता है एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस v² / c². तो ये जाता 40/50 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस v² / c², इस एल नॉट को डिवाइड में ले गया, ठीक है। अब जीरो से जीरो कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली ताकि ये अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाए। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, इसका स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1 माइनस v² / c², इस पे से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गई। अब v² / c² को उठा के देखो, 25 स्क्वायर रूट ले लिए, क्योंकि स्क्वायर हटाने वेलोसिटी a1 ले लिया अपॉन c इक्वल टू 9 अंडर रूट 9 किसका 9, अगर रूट ले 9 का तो क्या जवाब आएगा 3 आएगा। तो 3 तो वेलोसिटी कितनी आ गई 3 अपॉन 5, सी यहां मल्टीप्लाई आ रहा है वहां जाके, यहां डिवाइडर है वहां जाके मल्टीप्लाई, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। पहला सवाल तो आपका ये क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया था या कोई मसला था तो कॉपी कर लीजिए आराम से, तसली फिर अगला सवाल समझाता हूँ। सर अगर वैल्यू पुट नहीं करी तो भी आंसर सही होगा, किसकी वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू नहीं पुट करी तब भी आंसर सही होगा, ठीक है। अच्छा अगला सवाल देखिए, हम ये कॉपी कर लें, अगला सवाल बता रहा हूँ, ठीक है हो गया कॉपी। अगले सवाल में कह रहा था, कैलकुलेट द रिलेटिविस्टिक स्पीड एट विच मास ऑफ पार्टिकल बिकम डबल इट्स लेस मास। अगर डेटा के अंदर मैं मान लूं कि उसका जो रेस्ट मास है वो कितना है एम नॉट है, ये मैंने लेट कर लिया, तो बताओ एम कितना होगा, एम होगा ट्वाइस ऑफ एम नॉट, क्योंकि रेस्ट मास उसका जो मूविंग मास है वो डबल हो गया है, ठीक है। तो बताओ उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी, ये भी एक आसान सा सवाल, मास वाला फार्मूला लगाएं, मास इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस v² / c². मास की जगह रख दिया 2m, नॉट इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस v² / c², एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये रूट से बाहर आ गया।
इसको इधर भेज दिया, 1 माइनस v² अपॉन c² 4 को डिवाइड में भेज दिया, 1 अपॉन 4, तो v² अपॉन c² उधर चले गया, उधर चले गया, लेकिन लिखा इधर है, उधर चले गया और ये इधर आ गया, तो 1 माइनस 1 अपॉन 4, 1 माइनस 1 अपॉन 4 कितना होता है, v² c² = 1 माइनस 1 अपॉन 4 आपका होगा 3 अपॉन 4, ये 4 माइनस 1 3 होगा। और जब आप स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 3 के अंदर ही रहेगा, 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी इससे मिलता जुलता आपका सवाल था, ठीक है। तो ये आपके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो सवाल थे जो पास्ट पेपर के अंदर आए हुए थे, इन दोनों को अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, चैप्टर नंबर 20। अच्छा जी, आज की क्लास के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका चैप्टर नंबर 20, आज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इतना ही शॉर्ट आपका चैप्टर, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपके जो टोटल टॉपिक है जिसका नाम है न्यूक्लियर रेडिएशन, टोटल आपके तीन जो है ना चार टॉपिक हैं, जिसमें से सिर्फ दो मेजर टॉपिक हैं, विल्सन क्लाउड चैम्बर और जीएम काउंटर, गीगर मुलर काउंटर। बाकी सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी इतना नहीं आता, और न्यूक्लियर रेडिएशन तो बिल्कुल बेसिक है जो आपको 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सब जगह पढ़ाई गई। लेकिन जाहिर सी बात है इसको सबको समझने के लिए आपने समझना होगा किसे, जो फिनोमेना है आपका डीके का, उसे समझना होगा, ठीक है। पहले तो ये कंफर्म कर दीजिए कि स्क्रीन शेयर हो रही है, फिर हम आगे चलें। स्क्रीन शेयर हो रही है, बेसिक ऑफ फिजिक्स के अंदर या बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर भी आपको पढ़ाया गया होगा कि हमारे पास होता ये है कि हमारे पास एक एटम में तीन चीजें मौजूद होती हैं। एक एटम जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और फिर आपका न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आपके होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आपके होते हैं, ये न्यूक्लियस के में, न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनके अराउंड जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है किसी भी ऑर्बिट के अंदर। तो ये एक एटम का सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। अगर बात की जाए प्रोटॉन के ऊपर चार्ज वैल्यू की, तो चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ होती है एक प्रोटॉन के ऊपर, और यही एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। लेकिन अगर बात की जाए मास की, जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.6 × 10⁻²⁶⁶ कर लें, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.11 × 10⁻³⁻¹ kg। ये बेसिक कांस्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए। प्रोटॉन जो है वो कंपैरेटिवली हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है, कुछ फ्रैक्शन का डिफरेंस होता है, इनके मास को हम सेम ले सकते हैं। अगर बेसिक मॉडल ऑफ न्यूट्रल एटम की बात करें, तो न्यूट्रल एटम का मतलब ये होता है कि अगर हम मिसाल के तौर पे किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में उठा लें, जैसे आपके पास कार्बन, कार्बन का एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है उसका मास नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है वो कार्बन का होता है 6, और जो मास नंबर होता है कार्बन का वो 12 होता है। एटॉमिक नंबर एलिमेंट का शिनाख्ती कार्ड नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो फिर वो कार्बन ही हो सकता है और कोई
नहीं हो सकता। लेकिन मास नंबर जो है उसके अंदर प्रॉब्लम रहती है, मास नंबर किसी दो एलिमेंट का सेम भी हो सकता है, तो मास नंबर जो है वो पहचान नहीं है। एक्चुअल में मास नंबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की जमा, जबकि एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब अगर मैं आपसे कहूँ कार्बन का यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो कार्बन के पास सेंटर में तीन छः जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, छः जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल होंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन होंगे, और पहले शेल में इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, जबकि आउटर मोस्ट शेल में इसके पास चार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अब क्योंकि +4, इसके पास पॉजिटिव चार्ज कितना है +4, और इसके पास नेगेटिव चार्ज कितना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है -4, तो +4 -4 कितना आंसर आता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ये आपका न्यूट्रल एटम कहलाएगा। चार्ज आता कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिसबैलेंस हो जाए तो चार्ज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट हो जाता है या चले जाता है या गायब हो जाता है ही नहीं, तब आप कहेंगे इसके पास प्रोटॉन तो +4 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं -3, आंसर क्या आएगा +1, तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा। और अगर मैं कहूँ कहीं से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक था एक और आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5, तब +4 -5 कितना चार्ज आ गया -1 का। तो जो चार्ज आता है किसी के ऊपर भी वो किस वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से आता है। मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा NaCl की फॉर्मेशन, Na पे +1 चार्ज आता है और Cl पे -1 चार्ज आता है। क्या वजह है कि इनके ऊपर +-1 चार्ज आता है? सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 11 ही प्रोटॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में। इसके साथ बॉन्ड करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए वो 11 इलेक्ट्रॉन ही रखता है, 11 प्रोटॉन ही रखता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम कर देता है और हो जाते हैं उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, आंसर आता है +1। तो इसका मतलब सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा? +1 का चार्ज आएगा जब भी वो बॉन्ड बनाए। क्लोरीन के पास होते हैं 17 प्रोटॉन, और अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए उसे 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो उसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होते हैं, लेकिन वो एक Na का इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसके पास हो जाते हैं -18 इलेक्ट्रॉन। माइनस करने पर जवाब आता है -1, तो इसका मतलब इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl Na का जो चार्ज होगा वो +1 होगा और Cl का जो चार्ज होगा वो -1 होगा। तो ये आपके कहते हैं चार्ज एटम, या फिर इनको आयन भी बोला जाता है कि आयन बन गई। लेकिन न्यूट्रल एटम में क्या होगा? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करने के लिए जा रहे हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर की पहचान, तो लिखा हुआ भले कैसे भी हो, जैसे कार्बन 6 × 12 लिखा हुआ है या कार्बन 12 × 6 लिखा हुआ है, आपने याद रखना है जो दो चीज़ों का सम है वो हमेशा ज़्यादा होगा, तो मास नंबर हमेशा ज़्यादा होगा। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये बताएं न्यूट्रॉन कितने हैं, कार्बन का जो मास नंबर है मैं आपको बता देता हूँ कि चलो इसका एटॉमिक नंबर कार्बन का मैंने आपको बता दिया, एटॉमिक नंबर कार्बन का है 6 और मास नंबर कार्बन का है 12, तो बताएं इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखें अगर मास नंबर से, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर दें, हम माइनस कर दें एटॉमिक नंबर को, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, माइनस करने में क्या बचेगा? न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम बड़ी वाली वैल्यू को यानी कि मास नंबर को माइनस करते हैं किससे? एटॉमिक नंबर से। तो
हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है। ठीक है जी, ये एटम की बेसिक थ्योरी, ये एक न्यूट्रल एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके पास तीन पॉजिटिव चार्ज पार्टी के लिए, तीन नेगेटिवली चार्ज पार्टी के लिए, तो ये आपका क्या है, न्यूट्रल एटम। अब ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, देखें कोई भी न्यूक्लियस जो अनस्टेबल हो फॉर एनी रीजन, अनस्टेबिलिटी के रीजन जो है वो बहुत सारे होते हैं। जैसे जो मेन रीजन होता है अनस्टेबिलिटी का, वो होता है ग्रेटर मास नंबर। अगर मास नंबर बहुत ज्यादा हो, यानी कि एलिमेंट हैविंग मास नंबर ग्रेटर देन 82, वो एलिमेंट जिनका मास नंबर ग्रेटर देन 82 है वो ज्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल का मतलब क्या है, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं ना, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, उनके अंदर तोड़ फोड़ हो रही होती है, या उनमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी रेडिएशन हो रही होती है, उनमें डिके हो रहा होता है, वो डिस्टर्ब होते हैं। जैसे अगर जो है आपको खाना खिलाया जाए, तो बहुत ज़्यादा खिलाया जाए, खिलाते रहा जाए, फिर क्या होगा, एक वक्त आएगा आपका पेट भर जाएगा, फिर मजीद अगर आपको खिलाएंगे तो आप उल्टी करने लगेंगे। अब आपको हम कहेंगे कि आप अनस्टेबल हो गए, आप डीके कर, आपके अंदर से जो खाना खाया हुआ था वो निकल रहा है, तो डीके का प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन ये डीके तो जो आपने खाया वो निकल रहा है। एक डीके वो होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो डीके हो रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके या न्यूक्लियर डीके। न्यूक्लियस के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के पास कितनी चीजें होती हैं, दो। ये मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, ये मैंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बना दिए, ये मैंने न्यूट्रल पार्टिकल बना दिया। देखें इसमें से अगर डीके होगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके, तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स निकलेंगे। कभी ऐसा होता है कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन इकट्ठे होकर निकल जाते हैं, कभी एक न्यूट्रॉन जो है वो टूटता है और पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल बन के निकलता है, कभी जो है वो एक न्यूट्रॉन ही निकल जाता है, और कभी ये एडजस्ट होने के लिए एनर्जी रिलीज करते हैं, सिर्फ इनमें से एनर्जी निकलती है। ठीक है ना, जैसे आप डकार ले लें तो सिर्फ एनर्जी निकलती है, कोई पार्टिकल नहीं निकलती। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोसेस है, इसके अंदर डीके हो रही है, रेडिएशन हो रही है, ये डीके कर रहे हैं, रेडिएशन इमिट कर रहे हैं। लेकिन इस रेडिएशन को आप लाइट की रेडिएशन मत समझिएगा, लाइट रेडिएशन कुछ और है, ये जो रेडिएशन है वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, और गामा रेडिएशन तो इतनी खतरनाक है कि स्किन को डैमेज कर देती है, स्किन कैंसर कर सकती है, इवन आपकी बोन्स के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकती है, उनको भी डैमेज कर सकती है। ठीक है ना, तो एक जो न्यूक्लियस होता है, एक जो आपका न्यूक्लियस होता है, एक जो आपका भले अनस्टेबल न्यूक्लियस की हम बात करें, फिलहाल कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है तो उसमें तीन तरह के डीके होते हैं। वो तीन तरह के डीके कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका अल्फा डीके, अल्फा पार्टिकल का डीके, एक होता है बीटा पार्टिकल का डीके, और तीसरा होता है गामा रेडिएशन का डीके। इसके अलावा न्यूट्रॉन का डीके भी होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं, हमने जो डिस्कस करना है वो तीन डीके डिस्कस करने हैं, और भी बहुत होते हैं लेकिन हम ये तीन डीके मेजर डीके जो है वो डिस्कस कर। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने में से अचानक से स्टेबल होने के लिए दो पॉजिटिव और दो न्यूट्रल
एटम को अगर निकाल दें तो उसको हम बोलते हैं अल्फा डीके, यानी कि दो पॉजिटिव और दो न्यूट्रल एटम अगर अपने से निकाल दें तो इसे हम बोलते हैं अल्फा डीके। अगर कोई अनस्टेबल एलिमेंट अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, अब आप कहेंगे कि सर न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। होता ये है कि जो न्यूट्रॉन होता है ये जब टूटता है तो इस पे दो चार्ज आते हैं, प्लस एक नेगेटिव। प्लस वाला तो न्यूक्लियस में ही जाता है, माइनस वाला अगर निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन डीके हो गया ना। तो बीटा नेगेटिव एक्चुअल में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन डीके होता है। इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल दें तो ये बीटा डीके कहलाएगा, बीटा पार्टिकल का डीके कहलाएगा। तीसरा होता है एनर्जी का डीके, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, जैसे यहाँ गैप है, गैप को फिल करने के लिए अपने में से एनर्जी रिलीज करें, ठीक है। तो जो एनर्जी का रिलीज होगा ये गामा रेडिएशन के फॉर्मेट में होगा। गामा जो है वो क्या है, फोटोन है, फोटोन लाइट का पैकेट होता है, आपने पता पढ़ा था इसके अंदर प्लैंक्स थ्योरी के अंदर, तो फोटोन निकलता है। तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में ये तीन तरह के डिके खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो रहे हो, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो मेजर डीके हैं इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं कौन कौन से हो गए, आप अगर कभी भी डीके होगा ये अपने पास कॉपी कर लीजिएगा, कभी भी अगर डीके होगा तो तीन तरह की रेडिएशन जो है वो इमिट होती है। नंबर वन अल्फा पार्टिकल का डीके, अल्फा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन एक्चुअल में हीलियम के सिंबल से इसलिए रिप्रेजेंट किया है, हीलियम से, अल्फा से नहीं रिप्रेजेंट करिए, हीलियम बोल दिया इसे, ये अल्फा भी है ठीक है और ये बीटा भी है। हीलियम से इसलिए इसे रिप्रेजेंट किया है कि अगर आप नोटिस करें तो हीलियम 8A ग्रुप का मेंबर है, इसके पास दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि दो न्यूट्रॉन भी होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 और मास नंबर 4 होता है। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊँ तो इसके न्यूक्लियस में देखो क्या है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो अगर कोई भी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन को निकालना है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ भाई तो हीलियम निकाल रहा है, हीलियम से मिलती जुलती चीज़ निकाल रहा है, हीलियम निकाल रहा है, लेकिन हीलियम का न्यूक्लियस निकाल रहा है, हीलियम नहीं निकाल रहा। तो आपसे कोई पूछे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम का जो न्यूक्लियाई है उसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, विच मीन्स इट कंटेन टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन, इसके पास टू प्रोटॉन और टू न्यूट्रॉन होते हैं। अगर मास की बात करें तो जाहिर है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का मास आप जमा करें तो इसका मास बन जाएगा जो कि बनेगा 6.646×10^-27। चार्ज की बात करें तो इसके पास दो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, प्लस के दो चार्ज मौजूद है, इलेक्ट्रॉन तो है ही कोई नहीं तो प्लस के दो चार्ज मौजूद है तो इसका चार्ज होगा +2। और ये इसकी डायग्राम है जिसमें इनको पॉजिटिव लिख लें, बाकी दो को जो है वो न्यूट्रल छोड़। दूसरा डीके होता है आपका बीटा डीके। बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन निकलता है जैसे कि बताया, तो ई लिखने के बाद 0×-1, -1 यहाँ इसलिए शो करा है कि इलेक्ट्रॉन है ठीक है और मास नंबर को नहीं रिप्रेजेंट करता। इसका जो मास होता है वो था 9.109×10^-31। इसका जो चार्ज होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होगा, -1। गामा रेडिएशन की बात करें तो ये फोटोन का एक पैकेट है, तो फोटोन की कोई एनर्जी जो होती है बहुत मैक्सिमम होती है लेकिन उसका कोई मास नहीं होता और उसका कोई चार्ज नहीं होता। बाकी न्यूट्रॉन का डीके आपने कॉपी नहीं करना, ये जो है आपने पास कॉपी। क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट हुआ है कि अल्फा पार्टिकल आपका क्या है, दो पॉजिटिव और दो न्यूट्रॉन है, इसको हीलियम का न्यूक्लियाई भी कहते हैं, 2×4। इसके बाद बीटा आपका सिंपल एक इलेक्ट्रॉन है, सिंपल एन इलेक्ट्रॉन। और गामा जो है वो आपकी क्या है, सिर्फ रेडिएशन है, जिस तरह रेडिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक फोटोन का पैकेट है।
ठीक है, ये तीन है। अब अगर बात करें अल्फा पार्टिकल की डिटेल में, तो अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज एटम है ये। इंटीग्रेट होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से, निकलता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से। यानी कि अगर आप लिखना चाहें, अल्फा पार्टिकल कंटेन टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज इज प्लस टू, जो हम नीचे लिख चुके हैं। और ये किस में से रिलीज होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से। ठीक है, ये इसकी डिटेल है थोड़ी सी। अब ये कॉपी नहीं करना, ये शॉर्ट चीज़ इतनी आती नहीं है पेपर में। इसके बाद बीटा पार्टिकल की बात करें, तो बीटा ट्रेवल्स थ्रू मैटर दैट अल्फा पार्टिकल डू नॉट। होता ये है कि बीटा पार्टिकल जो है ना, वो आपका दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, तो काफ़ी मोटा पार्टिकल है। यूँ मान लें, मोटा समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मोटा क्या, मोटा मोटा पार्टिकल है, तो वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता इतने आराम से कहीं पर भी। कर तो जाता है पेनिट्रेट हमारी स्किन से, जैसे कर जाएगा गोल्ड फॉइल से, कर जाता है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में, बीटा पार्टिकल ही उसने मारे थे ना, याद है आपको, रदरफोर्ड ने, तो गोल्ड फॉइल से भी वो गुजर जाता है। लेकिन कोई और अगर उसके सामने एटम आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल लेड आ जाए या और कोई चीज़ आ जाए, पेपर आ जाए, पेपर में से नहीं गुजर सकता, क्योंकि वो मोटा होता है, फंस जाता है पेपर में, तो उसमें से ट्रैवल थ्रू नहीं कर सकता। लेकिन बीटा पार्टिकल क्योंकि हल्का होता है, एक इलेक्ट्रॉन है उसके मुकाबले में तो बहुत छोटा है ना, तो बीटा पार्टिकल जो है वो मैटर में से ट्रैवल कर जाता है, उन मैटर में से भी जिनमें अल्फा पार्टिकल ट्रैवल नहीं कर सकता। ये जो डिके होता है, ये सर्टेन टाइप ऑफ रेडिएशन का डिके होता है। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये डिके अपने में से करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट खुद ब खुद अपने में से ये बीटा डिके करते हैं। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में मूव करते हैं। इनकी स्पीड इसलिए भी ज़्यादा होती है, अगर आप बात करें अल्फा पार्टिकल की, तो वो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है, जाहिर है वो मोटा पार्टिकल है, तो वो इतना एक्टिव नहीं होगा। स्पीड तो उसकी भी काफ़ी होती है, हमारे हिसाब से तो बहुत ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि उससे ज़्यादा हल्का है, तो ये तेज़ होगा। व्हेन न्यूट्रॉन डिके दे फॉर्म फोटोन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो न्यूट्रॉन डिके होता है ना, एक्चुअल में वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रह जाता है, ये होता है बीटा डिके। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन हैज़ अ लिटिल मास एंड इज इजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड, ईजिली गो थ्रू पेपर्स बट स्टॉप बाय एलुमिनियम और वुड। पेपर में से तो बड़े आराम से गुजर जाता है, लेकिन एलुमिनियम और वुड में से ये नहीं गुजर सकता। लाइक अल्फा पार्टिकल दे आयोनाइज एटम विच स्लोज देम डाउन। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये आयोनाइजेशन वाला पॉइंट, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब आ जाए लास्ट, गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन तो बहुत ही ख़तरनाक होती है, क्योंकि फास्ट मूविंग फोटोन है, इनका कोई मास नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, मतलब स्मॉल क्या है, फोटोन रेडिएशन है, लाइट है, ये तो पेपर में से भी गुजर जाते हैं, एलुमिनियम में से गुजर जाते हैं, इवन लेड में से भी कुछ पोर्शन गुजर जाता है, इतनी ख़तरनाक रेडिएशन ह्यूमन बॉडी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका गामा रेडिएशन, फास्ट मूविंग फोटोन, फोटोन है एक तरह से, फास्ट मूविंग क्या बोल रहे, फोटोन लाइट है, वो तो बहुत ही तेज़ मूव है। अब क्या बात है कि देखें मसला क्या है, मसला ये है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर एक रूम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है, वो एलिमेंट जो अपने में से कभी अल्फा निकाल रहा है, कभी बीटा निकाल रहा है, कभी गामा निकाल रहा है, और मुझे इन तीनों में से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मुझे इन तीनों में से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अपने में से अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन निकाल रहा है, उस कमरे में मैं भी बैठा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, वो रेडिएशन मेरे अंदर पेनिट्रेट करेंगे। अगर वो गामा रेडिएशन निकालेगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है, बीटा रेडिएशन कर रहा है वो भी ख़तरनाक है, अल्फा भी ख़तरनाक है, ज़ाहिर मेरे लिए तो है, स्किन के अंदर तो पेनिट्रेट कर जाएगा, तो ये तीनों रेडिएशन मेरे लिए ख़तरनाक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बीच सराउंडेड तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास दुनिया में इतने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, मजीद एलिमेंट हम डिस्कवर कर रहे हैं, और हम एलिमेंट्स की दुनिया में तो रह रहे हैं,
एलिमेंट्स की दुनिया से घिरे पड़े हैं, आप एलिमेंट से आज़ाद नहीं है। इवन लैपटॉप भी किसी ना किसी एलिमेंट से बना हुआ है आपका, ठीक है ना। आप कोई वॉच पहन रहे, वो भी कोई ना कोई एलिमेंट है। तो आप एलिमेंट की दुनिया से घिरे। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर आपकी दुनिया में आ जाए तो आपको डैमेज कर सकता है। तो हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पहचानना है, उनको स्टडी करना है, उनके बारे में जानना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका एक साइंटिस्ट जिसका नाम था विल्सन, CTR विल्सन था आई थिंक, तो उसने एक डिवाइस बनाई जिससे उसने इन रेडिएशन को डिटेक्ट करना देखा, कि डिटेक्ट किया कि रेडिएशन कौन कौन से एलिमेंट करते हैं। अच्छा, डिटेक्शन कैसे करी, चीज़ नज़र तो आ नहीं रही, डिटेक्शन फिर इसने कैसे करी। इसके लिए आप यूँ समझो कि अब आयोनाइजेशन का फिनोमेना क्या है कि देखें, प्लस दो चार्ज हैं और दो न्यूट्रॉन हैं, तो ये हाई आयोनाइज कर सकता है, हाईली आयोनाइजिंग पार्टिकल, ठीक है। जबकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये उसके मुकाबले में वीक आयोनाइजिंग पार्टिकल है, और सिर्फ एक फोटोन है तो ये तो उससे भी ज़्यादा वीकेस्ट है, इसको भी बोलेंगे वेरी वीक आयोनाइजिंग पार्टिकल। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइज करने की सलाहियत जो है वो किसके पास है, अल्फा के पास है। दूसरे नंबर पे किसके पास है, बीटा के पास है, और तीसरे नंबर पे कौन आयोनाइज कर सकता है, आपका फोटोन। ये तीनों जो है वो आयोनाइज कर सकते हैं। तो विल्सन ने क्या किया, विल्सन ने एक चैम्बर बनाया, ठीक है, जहाँ पर इसने अल्कोहल या एक वॉलेटाइल सोल्यूशन यूज़ करा। वॉलेटाइल मतलब जो हवा में बहुत तेज़ी से फैले और फॉग क्रिएट कर ले, क्योंकि फॉग में जैसे आप लिख सकते हैं ना, इस तरह ट्राइक भी बन सकते हैं। तो इसने यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, इस पिस्टन को जैसे ही ये ऊपर लेके जाएगा, एयर वेयर सब इसमें से निकल जाएगी, सिर्फ वो अल्कोहल बचेगा जो इसने रखा हुआ होगा, और जैसे ही तेज़ी से नीचे खींचेगा, नीचे लेके जाएगा, तो अचानक से वो लिक्विड जो है वो वेपर बनेगा, तो अंदर फॉग बन जाएगी, धुआं सा बन जाएगा अंदर। ऊपर एक गिलास की विंडो है जहाँ से हम देख रहे होंगे, यहाँ से हाई सोर्स ऑफ लाइट देंगे ताकि अंदर सब विजिबल रहे, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम यहाँ पे ला के रख देंगे। अब जैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई डिके करेगा, जैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई डिके करेगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर होगी। अब उस गड़बड़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो से, कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके करता है तो कुछ इस तरह की कंडीशंस होती है। अगर हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके कर रहा है तो कुछ इस तरह का डिके होता है, और अगर हम इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें तो इसकी डायग्राम ली हुई है, गोल्ड फॉइल से गुजार के देखें तो पता चलता है गोल्ड फॉइल से कितना गुजर सकता है, तकरीबन सारे ही अल्फा बीटा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से गुजर सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर भी आप देख सकते हो जब ट्रैक्स बनना शुरू होते हैं तो किस तरह के ट्रैक्स बन रहे हैं। ये जो है, ये जो आपको नज़र आ रहे ना, ये इसका मतलब कोई चीज़ निकली, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से कुछ निकला है, इस फॉग को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से कुछ ना कुछ ज़रूर निकला, ये वाली वो सोर्स है जहाँ से लाइट दे रहे हैं, हाई लाइट, और ये आपकी ग्लास विंडो है टॉप पे। नीचे इसके पिस्टन मौजूद होता है जो क्या क्रिएट कर रहा होता है, वेपर्स क्रिएट कर रहा Source, अच्छा, अब आप देखें ये आयन बनते कैसे, आयोनाइजेशन होती है तो ये ट्रैक बनते कैसे, ट्रैक बनने का जरा तरीका यहाँ देखें। होता ही है ये अल्फा पार्टिकल सब उस तरह जा रहे हैं तो ये चार्ज बनाता हुआ जा रहा है। ज़रा स्लो मोशन में अगर आप इसे देखें, देखिए अल्फा पार्टिकल गया, इस वाले एटम के पास से गुजरा, इसका इलेक्ट्रॉन टेयर ऑफ कर दिया, इस पर प्लस चार्ज आ गया। इसके पास से गुजरा, इसका इलेक्ट्रॉन टेयर ऑफ कर दिया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। इस तरह सबके प्लस चार्ज बनाता हुआ जा रहा है। अब जिस पे भी प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे जैसे फॉर एग्जांपल प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, इस पे अगर प्लस चार्ज आ गया तो दूसरे एलिमेंट इसके अंदर आके लग जाएंगे, चिपक जाएंगे इससे, क्योंकि उनके ऊपर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो सारे इसके प्लस चार्ज आने की वजह से सारे इसके पास घुसने लगेंगे, तो यहाँ पे कंजेस्टन हो जाएगी, ज़्यादा आपको थिक पात नज़र आने लगेगा। तो
एक ट्रैक बनता हुआ नजर आएगा, जहां जहां वो एनर्जेशन करता हुआ जा रहा है वहां वहां आपको एक सोने का ट्रैक बनता हुआ नजर आएगा जो कंपेरेटिवली थोड़ा डार्क होगा। इस तरह इसने डिटेक्शन करी किसकी, आयोनाइज पार्टिकल की। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आई। तो अब जो है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है और जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो अपने पास कॉपी कर लीजिए। ठीक है, पता कैसे चला ये अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है या गामा रेडिएशन है, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले ये सवाल जो आता है लॉन्ग के अंदर आता है, तो इसको लॉन्ग के एतबार से अपने पास कॉपी कर लीजिए। क्लास ख़त्म इतनी जल्दी क्यों भाई, क्लास में टाइम है।